बाबू हम लोग मॉड्यूल वन AGD का मॉड्यूल वन लेक्चर नंबर वन देख चुके थे, ठीक है। वहां आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया था, अगर नहीं देखे तो जाकर एक बार पहले उसको देखिए, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी बताते हैं ताकि जो न्यूमेरिकल बनाए, क्योंकि उसके बाद फिर न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर उसके बाद थ्योरी नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर सेकेंड मॉड्यूल में थ्योरी मिलेगा। तो आज जितना बताया जा रहा है उसको आप कहीं एक जगह नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बाबू। सबसे पहले आपको क्या क्या ड्राइंग बनाना है उसको दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए बाबू। चलिए देखिएगा, ये आपका क्या है, प्लेन का न्यूमेरिकल है, ठीक है। यानी प्लेन का ड्राइंग है, प्लेन स्केल पढ़ेंगे उसका ड्राइंग है, ठीक है। तो ये आपका प्लेन का ड्राइंग हो गया, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक बार दिखा देते हैं। और इसी में क्या है, कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन बताएंगे, जब तक आपको पूरा समझ में नहीं आ जाए, ठीक है, तब तक हम लोग बनाते रहेंगे। डेली प्रैक्टिस करवाया जाएगा, डेली वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। बना बना कर एक एक लाइन बना बना कर बताएंगे। अभी तो देखने में सिंपल सिंपल लग रहा होगा, आगे देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, फिर भी आपको सब वीडियो को बना बना कर दिखाएंगे, एक एक लाइन बना कर दिखाएंगे, ठीक है। ए डायगोनल स्केल का है, ठीक है। ए कॉर्ड कॉर्ड स्केल का है, स्केल ऑफ कॉर्ड का है, ठीक है। ये साइक्लॉइड है बाबू, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे सर्कल मूव करता है तो उसको साइक्लॉइड कहते हैं, उसका फिगर बनाना है। ये आपका ईपी साइक्लॉइड अगर ऊपर से जाता है तो, ठीक है। फिर उसी तरह से हाइपो साइक्लॉइड होता है, इवोल्यूट है, ठीक है। इवोल्यूट इनवोल्यूट पढ़ना होगा आपको। ये इलिप्स है, इलिप्स के पैराबोला है, हाइपरबोला है, ठीक है। यही सब चीज पढ़ना है बाबू आपको। ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। उसके बाद हम लोग प्लेन में जाएंगे तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से फिगर बनेंगे, पॉइंट का, लाइन का, ठीक है, प्लेन का, ये सब प्लेन का डायग्राम है, प्लेन का प्रोजेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, प्लेन प्रोजेक्शन के नाम से होगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग ऑर्थोग्राफिक में पढ़ेंगे। फिर आपको सॉलिड का पढ़ेंगे, सॉलिड का डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सॉलिड का है, सॉलिड का है, देखिए, ठीक है। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आ गया, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में दिखा रहे हैं ये सब चीज, ठीक है। तो बाबू यही सब चीज हम लोग क्या है आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। यही अभी तो एक एक सैंपल दिखा है ना, सबको न्यूमेरिकल करवाएंगे, जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा तब तक करवाएंगे, ठीक है। जितना जल्दी सपोर्ट कीजिए उतना जल्दी और लाइव क्लास लेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन भी वहां पे पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहां पूछिएगा वहां आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ हम लोग आज थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। थ्योरी में क्या है बाबू कि सबसे पहले सिलेबस आप लोग तो वैसे देख चुके होंगे, लेकिन एक बार यहाँ देख लीजिएगा कि मॉड्यूल वन, मॉड्यूल टू, मॉड्यूल थ्री, मॉड्यूल फोर, मॉड्यूल फाइव, यहाँ तक ही आपको क्या किया जाएगा, क्वेश्चन दिया रहता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग पढ़ते हैं। पांच तक हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना। और ये सब, ये बाकी जो चैप्टर है उससे हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। आप लोग को क्वेश्चन पैटर्न बता दे कि कैसा रहता है। 3 आवर्स का एग्जाम होगा और 70 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 70 नंबर का एक्सटर्नल होगा, 30 नंबर का इंटरनल होगा। एक्सटर्नल मतलब आप बाहर एग्जाम देने जाएंगे, कॉलेज में एग्जाम होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 7 को बनाना है, तो 7 बनाना तो कितना हो गया, 14 नंबर। और इधर 8 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 4 बनाना है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का होता है, तो 14 4 56 हो गया, 14 नंबर ये हो गया, टोटल 70 नंबर हो गया, ठीक है। तो 70 नंबर का एग्जाम होने वाला है बाबू आपको। अब आते हैं पेंसिल देखते हैं। कल पेंसिल के बारे में बता रहे थे ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ है तो वो है पेंसिल, ठीक है। आप कौन सा पेंसिल यूज करेंगे, आप देखिए, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो एक एक्सरे रखता है, एक्सरे करवाता है, उसमें उसको पता चल जाता है कि आपके शरीर के अंदर क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। कहाँ हड्डी टूटा है, कहाँ क्या टूटा है, कहाँ दिल टूटा है, सब सबको सब कुछ पता हो जाता है उसको एक्सरे देख के। लेकिन हम लोग देखते समझ में आता है कुछ,
कुछ नहीं ना समझ में आता है, उसी तरह से ड्राइंग होता है, ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग होता है, डैम ब्रिज किसी चीज का बनाइए तो सिर्फ इंजीनियर ही पढ़ सकता है और कोई उसको दूसरा समझ नहीं सकता है। जैसे हम लोग एक्सरे को देख के कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, लगता है कि सब तो एक ही जैसा लाइन है, लेकिन वो उसको फिर भी पता चल जाता है कि यहाँ टूटा हुआ, हम लोग को सब एक ही जैसा लगता है। तो उसी तरह से अगर आप ड्राइंग बनाइएगा तो जो नहीं पढ़ा है सबको एक ही लाइन नजर आएगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कहाँ बीम है, कहाँ कॉलम है, कहाँ फुटिंग है, कहाँ 10 mm का बार है, कहाँ 16 mm का है, कहाँ प्लिंथ है, सारा चीज पता हो जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन हम कब, जब आप अच्छे से नॉलेज गेन कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा तब, ठीक है। तो आज तो हम सिर्फ थ्योरी करके छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, कल से न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट कर देंगे। बाबू यहाँ से अभी तक जो आप पेंसिल यूज कर रहे होंगे वो कौन सा पेंसिल होता है? HB पेंसिल होता है, ठीक है। उसके बाद बी बी आता है, 2B आता है, 3B आता है, 4B आता है, 5B आता है, 6B होता है, 8B होता है। जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डार्क होते जाता है, ठीक है, डार्क बहुत ज्यादा कलर होगा, मतलब बहुत ज्यादा डार्क लगेगा कि ब्लैक पेंसिल लिखा हुआ है। अगर आप 8B से लिखेंगे ना तो लगेगा ब्लैक पेंसिल लिखा हुआ है। तो इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे और डार्क होता जाता है, ठीक है, बी के तरफ बढ़ते हैं तो डार्क है, वही इधर एच के तरफ बढ़ेंगे तो पतला होते जाता है। 8H से लिख दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही लाइट होते जाता है, यानी हार्डनेस इधर बढ़ते जाता है, इधर हार्डनेस बढ़ते जाता है, और इधर क्या होता है, सॉफ्टनेस बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यही है बाबू, इतना तरह के पेंसिल होता है जिसमें आपको पेंसिल का बताए थे कौन सा लेना होता है। एच लीजिएगा, 2H लीजिएगा, 3H लीजिएगा, एच लेना है, 2H लेना है, 3H लेना है, ठीक है, यही तीनों पेंसिल आपको यूज करना है। तो यूनिट तो बाबू जिनको फर्स्ट लेक्चर देखा नहीं है जाके देख लीजिएगा, वहां पे यूनिट के बारे में समझाया गया है, ठीक है। उसके बाद ये सब यूनिट दिया गया था, याद है ना, प्रीफिक्स बताया गया था कि पेंटागोन, हेक्सागोन, सॉरी गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, सब दिया गया है, ठीक है, ये याद करके रखे हैं, सबको याद करने बोले थे ना, एक बार दोहराइएगा मेरे साथ में। 1 माइल इज इक्वल टू 8 फॉर्लॉन्ग होता है, 1 फॉर्लॉन्ग इज इक्वल टू 10 चेन होता है, 1 चेन इज इक्वल टू 22 यार्ड होता है, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट होता है, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच होता है। ये याद रखेंगे तब आपका प्लेन का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत जरूरी है, अभी बैठे बैठे क्या करेंगे आप, याद कीजिए जल्दी से। इन जनरल फुल साइज स्केल, अगर फुल साइज स्केल का मतलब जैसे बाबू समझाते हैं यहाँ पे, कल आपको बता रहे थे कि देखते होंगे कॉलेज जितना बड़ा है उसका ड्राइंग बना होगा A4 साइज पेपर पे, ठीक है, उसका मैपिंग किया होगा, उसका कंस्ट्रक्शन का जो ड्राइंग बनाया गया होगा A4 साइज पेपर आपके कॉपी पे बनाया होगा, उतना बड़ा बिल्डिंग का कॉपी पे कैसे बन गया? वो क्या होता था, स्केल की मदद से, स्केल की मदद, 1 किलोमीटर को क्या मान लेंगे, एक सेंटीमीटर मान लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबा है तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लंबा खींच देंगे, देखेंगे कि एक 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 2 किलोमीटर क्या है, इनक्लाइंड है, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर इनक्लाइंड दे देंगे। फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे नीचे नीचे है कितना, 3 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का लाइन दे देंगे। देखिए तो सेम बनते जा रहा है जैसे जैसे है, बस ये बड़ा फिगर है वो छोटा फिगर है, तो इसी को हम कहते हैं स्केल, ठीक है, इसी को क्या बोल रहे हैं, स्केल। लेकिन यहाँ पे बात ये आता है कि स्केल 3 टाइप का हो सकता है। पहला है फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल में क्या है बाबू, कि जितना का ड्राइंग है उतना ही बनाना है, जितना का ड्राइंग है, मान लीजिए कि ऐसे है 3 सेंट, ऐसे है मान लीजिए ये वाला है, ठीक है, ऐसे है 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। अब हमको कॉपी पर इसको बनाना है तदम सेम ही चीज को बना दिए, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, 1 सेंटीमीटर बराबर 1, 3 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी फुल साइज स्केल है, इसमें हम कोई चेंजेज नहीं किए हैं, ठीक है, फुल साइज स्केल है। तो फुल साइज स्केल का RF कितना होगा, 1। RF याद है, पिछले क्लास में पढ़ाए थे, RF क्या होता है, मैप डिस्टेंस बटा ओरिजिनल डिस्टेंस। अभी एग्जाम्पल देते हैं, रुक जाइए, ठीक है, RF का वैल्यू समझ में आ जाएगा। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो रेडियस स्केल है। रेडियस स्केल जनरली बिल्डिंग के लिए किया जाता है, बिल्डिंग, डैम, फ्लाईओवर, ठीक है, बहुत सारे मतलब कुछ भी बड़ा चीज को छोटा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसको रिड्यूस स्केल कहते हैं। जैसे 1 किलोमीटर वाला एग्जांपल दे रहे थे, 1 किलोमीटर को क्या मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर।
यहाँ जो आरएफ होता है ना बाबू, आरएफ जो होता है आप क्या माने हैं, ड्राइंग कितना, मैपिंग कितना का कीजिएगा, 1 सेंटीमीटर, ओरिजिनल कितना था, 1 किलोमीटर, इसी को आरएफ बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, आरएफ बोलते हैं। तो आरएफ जो है वो रिड्यूस स्केल में क्या होता है, लेस देन 1 होता है, और इन लार्ज स्केल में 1 से ज्यादा होता है, ठीक है बाबू। घड़ी उड़ी का जो आप हैंड वॉच पहनते हैं, हाथ वाली घड़ी पहनते हैं, उसमें जो मशीन होगा तो छोटा छोटा होगा, उसका ड्राइंग कैसे बनाता होगा, छोटे उतना ही छोटा बनाता होगा कि ड्राइंग बड़ा बनता होगा, बड़ा बनता होगा ना ड्राइंग। अगर कोई बहुत सारा बहुत छोटा चीज है तो उसको ड्राइंग कैसा बनता है, बड़ा। आप पढ़े हैं क्या बोलते हैं उसको, आपके अंदर सेल है, पढ़ के आए होंगे बायोलॉजी में, हम लोग तो बायोलॉजी उतना नहीं पढ़ना होता है क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे कि एक छोटा सा चीज को बड़ा बड़ा बना के दिखाया जाता है, ठीक है, तो ये लार्ज स्केल हो गया है ना। अब आते हैं प्लेन स्केल, बता दिए थे 2 यूनिट का, समझ गए तीनों स्केल के बारे में, फुल साइज स्केल हो गया, रिड्यूस स्केल हो गया, और इन लार्ज स्केल हो गया। फुल साइज स्केल में जितना का डायमेंशन है उतना ही बनाना, रिड्यूस स्केल में बहुत बड़ा है उसको छोटा करके बनाना, इन लार्ज में जो छोटा है उसको बड़ा करके बनाना है, ठीक है। तो तीनों का डायमेंशन क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेन स्केल में जिसमें 2 यूनिट, जैसे आपको लिख के दिखाए थे 1.5 मीटर को क्या बोलते हैं, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, दो दो पार्ट में पढ़े ना ऐसे, कितना है इसको पढ़िए तो, 1 रुपया 20 पैसा, पढ़े ना 2 यूनिट में पढ़े ना, ठीक है। तो ये हो गया क्या, प्लेन। 3 यूनिट में पढ़ेंगे तो डायगोनल, इसको पढ़िए तो, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, 4 मिलीमीटर, कितना यूनिट में पढ़े, 3 यूनिट में हो गया क्या, डायगोनल स्केल। वर्नियर देखेंगे, कंपेरेटिव, दो को कंपेयर करना, स्केल ऑफ कॉर्ड, एंगल लेंथ, एंगल और लेंथ बनाना, ठीक है, सब देखेंगे। आरएफ में भी दिखा दिए थे लेंथ ऑफ ड्राइंग बॉटल, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर लेंथ ऑफ स्केल निकाला, अभी सब करेंगे, अभी ये सब का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अभी थ्योरी समझाने आए थे तो थ्योरी समझा रहे हैं आपको। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग है, हाँ देखेंगे। फिगर पॉइंट, पॉइंट कैसा होता है बाबू, जिसका कोई डायमेंशन ना हो, ठीक है, उसको पॉइंट बोलते हैं, जिसका कोई डायमेंशन नहीं हो, मतलब 0 एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है वो पॉइंट है, ठीक है। चलिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में कितना डायमेंशन होता है, 1 डायमेंशन होता है सिर्फ, लेंथ, ठीक है। प्लेन में क्या होता है, लेंथ और विड्थ होता है, ठीक है, तो 2 डायमेंशन होता है, जो कौन कौन है, स्क्वायर है, सर्कल है, ठीक है, ट्राइंगल है, ट्राइपोजियल है, जो भी बोलिए। सॉलिड और 3D किसको बोलते हैं, जिसमें 3 डायमेंशन हो, लेंथ विड्थ हाइट, जैसे सिलेंडर हो गया, ऊंचाई लंबाई मोटाई हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 3D सेक्शन बोलते हैं, ठीक है, कोन हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया, क्यूबिक हो गया। आगे आते हैं, चलिए, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेज। ड्राइंग बोर्ड आप कॉलेज में देखिए, नहीं देखिए तो जा रहे होंगे कॉलेज, तो कॉलेज में होगा ड्राइंग बोर्ड तो देख कर आइएगा, ठीक है। तो आगे तो प्लेन सरफेस होगा, प्लेन होगा, आप पीछे पलटिएगा तो यही स्ट्रक्चर होगा जो यहाँ पे बना हुआ है, अगर पीछे आप पलटेंगे तो इसी स्ट्रक्चर में मिलेगा, ठीक है, बोर्ड को पलटेंगे तो, आगे ऊपर पलटेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज नाम आ रहा है बैटन, बैटन क्या है बाबू, ये पतला पतला लकड़ी से मिलके बना हुआ होता है बोर्ड, ठीक है, छोटा छोटा लकड़ी से मिलकर बोर्ड बना होता है, तो इसको चिपकाने के लिए हम लोग एक मतलब कि लकड़ी का यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटन बोलते हैं। आप गेट देखा, देखे हैं पुराने जमाने वाले गेट, अब तो प्लेन प्लेन गेट आने लगा, आप अपने गेट या खिड़की के पीछे कुछ इस टाइप में स्ट्रक्चर देखते होंगे, देखे हैं ऐसे, देखे हैं, रुकिए बढ़िया से बना लेते हैं, गेट के पीछे देखिएगा तो कुछ जो पुराने वाले केवाड़ी होते थे ना उसमें देखिएगा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता था पीछे बना हुआ, याद है, याद है ना, इस तरह से सही से नहीं बन रहा है, तो पीछे ये या खिड़की उड़की में होता था, तो उसी को बैटन बोल रहे हैं, ठीक है। तो बैटन का काम क्या होता है, ये सब जो 1 2 3 4 5 प्लाई मिलकर बना है उसको एक साथ जोड़े रहे हैं, एक कॉर्नर को इबोनी बोल रहे हैं, वर्किंग एज है, इसको पलटिएगा तो वर्किंग, ये पीछे वाला, आगे तो स्मूथ रहता है तो उसको क्या समझाना, पीछे जो जो रहता है ये बॉटम है, नीचे वाला लेयर है, ठीक है, पलटिएगा तो ऊपर प्लेन रहेगा, तब तो उस पर रख के ड्रॉइंग बनाइएगा। तो जो बोर्ड होता है बाबू उसका थिकनेस कितना होता है, 25 mm होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड है, इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड से लिया गया है, एक कोड चलता है कि आपको ड्राइंग में किस चीज को कितना रखना है, ठीक है।
तो थिकनेस है 25 mm रहेगा, तो कोई भी पूछेगा कि ड्राइंग बोर्ड का थिकनेस कितना होता है, बोलिएगा 25 mm। बी नॉट, अब इसमें कुछ साइज चलता है, जैसे आपका साइज चलता है ना, कपड़ा पहनते होंगे तो एम साइज, एल साइज, एन साइज, ठीक है, एस साइज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ये सब सुनते हैं ना, उसी तरह से यहाँ बोर्ड का भी साइज है। बी नॉट में कितना होगा डायमेंशन, 1000 × 1500। बी वन का डायमेंशन 7 × 1000, बी टू का 500 × 700 और बी थ्री का 350 × 500। ठीक है, तो आपका टास्क यहाँ रहा कि जो आपको ड्राइंग पढ़ना है उसमें कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर हम सही आंसर वहां पे करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा सब। ठीक है, चलिए ड्राइंग पेपर से, ड्राइंग पेपर है जो ड्राइंग पेपर आप जिस पेपर पे बनाने वाले हैं उसका भी अलग अलग साइज है, तो आपको कौन सा साइज में बनाना है ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, कुछ भी कीजिएगा, देखते हैं कि क्या आप लोग एक्टिव हैं कि नहीं है। ठीक है, ए नॉट, ए नॉट का वैल्यू 841 × 1189, कोई तो टिक लगा है वो, कोई ये बता देगा, कोई ये बता देगा। ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्ट बताना है कि दोनों में है कौन। ठीक है, हम फिर कमेंट सेक्शन में आंसर कर देंगे। ए नॉट इज इक्वल टू 841 × 1189। ठीक है, ए वन का वैल्यू दिया हुआ है, ए टू का वैल्यू दिया हुआ है, ए थ्री का वैल्यू दिया है, ए फोर का वैल्यू, ए फाइव का वैल्यू। ठीक है, तो आपको यहाँ टास्क रहा कि आपका कौन सा यूज है। ठीक है, आप कोई सोच रहे हैं सर पढ़ाए तो है नहीं, क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, तो बाबू कुछ कुछ एक्टिविटीज आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा। चलिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो उस दिन समझा दिए थे, यहाँ तो बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, लेकिन जितना बताएं उतना ही लेना है, फालतू लीजिएगा, रखा रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जुगाड़ू आदमी, जुगाड़ कर करके काम कर लेते हैं, तो जितना लिखा है इसमें, जितना आपको बताए थे ना फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए, वहां जितना इंस्ट्रूमेंट बताए उतना ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू प्रिपेयर ड्राइंग इजली एंड एक्यूरेटली, द एक्यूरेसी ऑफ द ड्राइंग डिपेंड्स लार्ज ऑन द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जितना अच्छा क्वालिटी होगा उतना अच्छा ड्राइंग आपका बनेगा। जैसे आपको हम मिनी ड्राफ्टर लेने के लिए बोले थे, तो किसका लेने बोले थे, ओमेगा का, ओमेगा बढ़िया एक्यूरेसी रहेगा, अच्छा रहेगा, तो उसी का ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड आपको तो लेना नहीं है, वो तो कॉलेज में, हाँ आपको एक स्टडी टेबल ले लेना है, घर पे प्रैक्टिस करना है ना तो ले लेना है, टी स्क्वायर नहीं लेना है, सेट स्क्वायर नहीं लेना, आपको जो बताए थे ना वही लेना है, एक कंपास, ये है इतना टाइप का कंपास होता है, एक कंपास लेना है, स्केल एक ले लेना है, ठीक है, प्रोटेक्टर ले लेना है, फ्रेंच कर्व ले लेना है, ड्रॉइंग पेपर ले लेना है, पेंसिल लेना है, कौन कौन सा, H2H3H, बस ठीक है इतना ही लेना है, और अगर ज्यादा मन हो तो एक वो एच भी ले लीजिएगा, वो बाद में जरूरत पड़ेगा तब। ठीक है, सैंड पेपर ब्लॉक कोई काम का नहीं है, नहीं लेना है। ठीक है, इरेजर ले लेना है, ड्राइंग पिन ले लेना है, जो लिखवाए थे ना वहां उसी चीज को ले लेना है। अब HB का मतलब समझते हैं, HB का मतलब होता है मीडियम ग्रेड, HB का मतलब है मीडियम ग्रेड, H का मतलब है हार्ड ग्रेड, और B का मतलब है सॉफ्ट ग्रेड। तो आपको बता रहे थे ना, जैसे जैसे B की तरफ बढ़ते हैं उसे सॉफ्टनेस बढ़ते जाता है, जैसे जैसे H की तरफ बढ़ते हैं वैसे हार्डनेस बढ़ते जाता है ना बाबू। लीड में द शार्प टू डिफरेंट फॉर्म, आप पेंसिल को इरेज करते होंगे, कटर करते होंगे, तो वहां पे आप कैसा करते होंगे, आपका कौन सा शेप आता है बताइए, तो एक कोनिकल शेप आता है, पेंसिल जो रहता है कुछ इस टाइप में छिलाता है, अरे हाँ या ना बोलिए जल्दी से। ठीक है, ये हो गया आपका पेंसिल, ये कोनिकल एज हुआ, इसको कौन सा एज बोलते हैं बाबू, कोनिकल, इसी से ड्राइंग बनाया जाता है। ठीक है, आई कितना हाइट बनता है आपका, जो स्टैंडर्ड है वो कितना रखना है, 10 mm का रखना है, यानी 1 cm का रखना। ठीक है, चलिए तो ये कोनिकल हो गया। अब आते हैं चीजल एज, चीजल एज क्या होता है, ये सैंड पेपर ब्लॉक से बनाया जाता है, तो इसका यूज ही नहीं है ड्राइंग में, तो नहीं लेना है, सैंड पेपर से रगड़ रगड़ के क्या करते हैं, इस तरह से नोकीला बना देते हैं पेंसिल को, इस तरह से मतलब रेक्टेंगल शेप में बना देते हैं। ठीक है, तो ये भी कितना होता है, 10 mm का, इसको चीजल एज कहा जाता है। तो यानी दो तरह के पेंसिल आप छील सकते हैं, एक है कोनिकल एज, दूसरा है चीजल एज, आपको प्रीफर कौन करना है, तो कोनिकल वाला करना है, तो उसको ऐसे भी देखना नहीं है। ठीक है, HB से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, बाउंड्री लाइन, आउट लाइंस, फाइनल आंसर, फ्री हैंड ड्राइंग, टाइटल ब्लॉक, ठीक है, डायमेंशन फिगर। अब लग रहा होगा सर ये सर नाम क्या है सर, तो आगे हम आपको दिखा रहे हैं बाबू, एक्सटेंशन लाइन क्या है, डायमेंशन, एच पेंसिल से क्या क्या बनाएंगे, डायमेंशन लाइन, एरो हेड, कंस्ट्रक्शन लाइन, फ्री हैंड स्केचिंग, प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन, सब बताएंगे बाबू, सब बताएंगे। ठीक है, तो अभी बोलेंगे भी तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप कभी नाम ही नहीं सुने होंगे अभी तक, तो
ट्वेल्थ करके आए ना, डिप्लोमा करके आए होंगे तो पढ़ के आए होंगे, लेकिन आप ट्वेल्थ करके आए होंगे तो नाम भी नहीं सुने होंगे इसका। एक डबल एच का आता है, उसको वेरी हार्ड पेंसिल कहा जाता है, डबल ट्रिपल भी आता है, तो रियली रियली ब्लैक एफ रहता है, फाइन ग्रेड, ठीक है। तो ये सब का यूज नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको ये सब चीज पता होना चाहिए कि क्या होता है। पेपर तो डायमेंशन तो देख के आए ही हैं, ठीक है। अभी तक कोई आंसर किए हैं? नहीं किए हैं, करके आइएगा, ठीक है, करके आइएगा। हिंट दे दिए, ठीक है, आंसर कीजिएगा, हिंट दे दिए। चलिए, ए टू का हो गया। अब आता है एक टाइटल ब्लॉक बनाने के लिए। टाइटल ब्लॉक हम लोग कैसे बनाते हैं? आपका मान लीजिए ये पेपर दिख रहा है ना, आइए थोड़ा सा बोर्ड पे ले चलते हैं आपको, ठीक है, बोर्ड पे ले चलते थोड़ा सा। चलिए, ये मान लीजिए आपका चार्ट पेपर है, तो चार्ट पेपर मान लीजिए इतना दूर चार्ट पेपर है, ऐसे चार्ट पेपर है, इस सीधा लाइन नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इस बोर्ड पे सीधा लाइन नहीं बनता हमसे। चलिए मान लीजिए चार्ट पेपर है, ठीक है, चार्ट पेपर है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाने से पहले कुछ लाइनें करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से लाइन कर देते हैं, इस तरह से लाइन कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से लाइन कर देते हैं, फिर यहाँ पे एक ब्लॉक बना देते हैं, इसी को टाइटल ब्लॉक कहा जाता है। अब इतना सिंपल भी नहीं होता है कि ऐसे करके टाइटल ब्लॉक हम बना दिए, ठीक है, इस तरह से ऐसा नहीं होता है इतना सिंपल कि इस तरह से हम डायरेक्ट, इसका मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो मेजरमेंट को आप ध्यान से समझिएगा, नोट कर लीजिएगा एक जगह, ले कट गया, एक सेकेंड, इसको क्या करना है, नोट कर लेना है बाबू, ठीक है। चलिए दिखाते हैं, एक सेकेंड देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पे जो पेपर लिए थे, ये आपका मेन एज वाला है, ये आपका पेपर मतलब कॉपी पे है ना, तो कॉपी पे हम दिखा रहे हैं, आप लाइएगा ना, ड्राइंग कॉपी, ड्राइंग पेपर, चार्ट पेपर लाए हैं, तो चार्ट पेपर में ना यहाँ से 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर पे लाइन छोड़िएगा, 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर सब जगह होना चाहिए, मिनी ड्राफ्टर से बनाइएगा, ठीक है। अभी तो यूज करने आपको नहीं आ रहा होगा बाबू, हम सिखाएंगे वीडियो बना के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, या अभी स्केल से माप लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ मापे, 2 सेंटीमीटर है, और फिर एक लाइन बना दिए, ठीक है। फिर क्या किए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का लाइन, 1 सेंटीमीटर पे यहाँ से एक लाइन दे देंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर, मतलब सीधा सीधी बोले तो आगे ये 2 रहेगा, बाकी सब सब तरह 1 सेंटीमीटर रहेगा, यानी ये जो बीच में गैप दिख रहा है ना, आगे 2 सेंटीमीटर रहेगा, सब तरफ तीनों तरफ कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर का रहेगा। उसके बाद 18.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हॉरिजेंटल रहेगा, और 6.5 मीटर यहाँ पे क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा, ठीक है, यहाँ करके दिखाते हैं, ये इस चीज को हम यहाँ ला रहे हैं, ठीक है, यहाँ ला रहे हैं, 18.5 कितना रहेगा बाबू, हॉरिजेंटल रहेगा, और 6.5 कितना रहेगा, वर्टिकल रहेगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 18.5 में ऐसे करके बना देते हैं, पहले 18.5 में 25 mm यहाँ, 25 mm, अब 55 mm यहाँ, ठीक है, इस एज से 55 mm, इधर से 25 mm, ये लाइन बन जाएगा, ठीक है, बीच में जितना रहेगा छोड़ दीजिएगा आप, आपको नहीं लेना है। फिर 2 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींच देना है, 2 सेंटीमीटर पे, ये 2 सेंटीमीटर पे लाइन खींच देना है, 6.5 सेंटीमीटर था ना, उसमें 2 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, इसको मिला देंगे, ये जो 25 mm पे था ये वाला, ठीक है, इस तरह से मिला देंगे। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग नेम लिखते हैं, कॉलेज नाम लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं, यहाँ पे स्केल देते हैं, स्केल अभी पढ़ा रहे थे ना बाबू, 1:1 है, 1:2 है, या 2:1 है, ठीक है, इस तरह से कि आप कितना को क्या माने, ठीक है, कितना को क्या माने हैं, तो ए है, ठीक है बाबू। चलिए अब इसको क्या करते हैं, ये टाइटल ब्लॉक आप क्या बना रहे हैं, बिल्डिंग ड्राइंग बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, तो ये सब चीज बना बना कर भी सिखाएंगे, अभी आज क्या बोले थे, थ्योरी लेकर चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको एक नॉलेज हो जाए कि हम लोग, हाँ लगेगा कि हाँ हम लोग कुछ ऐसे डायरेक्ट ड्रॉइंग करवाते तो आपको तो आधा चीज समझ में नहीं आता कि यहाँ पे लाइन क्या है, ड्रॉइंग क्या है, ठीक है, तो पेंसिल क्या है, कौन सा यूज करना है, आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। लाइन एंड डायमेंशनिंग बाबू, ये थिक लाइन है, ठीक है, कंटिन्यूअस लगातार, कोई टूटा हुआ है मतलब ये कंटिन्यूअस थिक लाइन है, तो इसको हम लोग विजुअल आउट लाइंस में यूज करते हैं, मेन रिप्रेजेंटेशन में करते हैं, तो अभी ये सब जो नाम है ना, इसको हम ड्राइंग में जाके दिखा रहे हैं, ठीक है, पहले हम खाली सबका लाइन बता दें कि कौन कौन सा लाइन होता है, एक कंटिन्यूअस ही होता है, लेकिन ये पतला मतलब डार्क नहीं लाइट होता है, ठीक है, ये फ्री है, इंड से खींचते हैं, ऐसे लाइन खींचे तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये फ्री एंड वाला,
जैसे बिल्डिंग है बाबू, तो मान लीजिए किसी चीज का, ऐसे सुनिएगा, मान लीजिएगा कि एक कोई ऐसे था बिल्ड, कोई मतलब कि बिल्डिंग का ड्राइंग है, मान लीजिए कुछ भी है, जैसे दीवार है, मान लीजिए दीवार है, ये बहुत दूर तक जा रहा है, तो हम उतना ड्राइंग नहीं बनाएंगे। क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ही ड्राइंग बनाते हैं, थोड़ा सा ही ड्राइंग बनाते हैं, और कुछ ही इस तरह से दिखा देते हैं। देखिएगा, इतना ही ड्राइंग बनाए और कुछ ही इस तरह से दिखा दिए, ऐसे करके दिखा दिए। इसका मतलब क्या है कि आगे तक है, ये आगे भी है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, ये आगे जाएगा अभी, इसका मतलब हुआ। तो यही है कंटिन्यूअस थिन लाइन, जिगजैग लाइन में हम लोग बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आगे भी है, अभी इसके बाद भी है लाइन, ठीक है, ये जो चीज है ये आगे भी जाएगा। हम इसका मतलब क्या कर दिए, शॉर्ट में दिखा दिए, ठीक है। ये डैश लाइन सबको पता होगा, ये आगे यूज करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है सब चीज का, ठीक है। कि डैश लाइन है थिन वाला, ठीक है, वो डार्क वाला था, थोड़ा डार्क डार्क डैश लाइन है, ये थिन लाइन है, ठीक है। चेन लाइन है बाबू, जो सेंटर लाइन में हम लोग यूज करते हैं, अभी सब ड्राइंग दिखा रहे थे ना, उसी में जाके दिखा रहे हैं कि कौन सेंटर लाइन है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे 10 से 12 mm का एक लाइन खींचते हैं, बीच में गैप देते हैं 1 से 1.5 सेंटीमीटर का, 1 mm का, और फिर एक छोटा सा लाइन है, फिर 12 लाइन, फिर एक छोटा सा लाइन, फिर 12 लाइन, फिर एक छोटा सा लाइन, फिर 12 लाइन, ये चेन थिन लाइन हो गया, ठीक है। फिर चेन, फिर एक होता है कटिंग प्लेन वाला, पहले तो मोटा रहेगा, फिर मोटा रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, बीच में पतला लाइन हो जाएगा, ये डार्क रहेगा, ठीक है, ये डार्क ज्यादा रहेगा, देखिए कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, फिर डार्क रहेगा, फिर डार्क रहेगा, फिर डार्क रहेगा, तो ये लाइन हो गया, ठीक है। इसको कटिंग प्लेन में दिखाते हैं, तो अभी कह भी देंगे कटिंग प्लेन है तो समझ में आएगा, हम फिगर में जाके दिखा रहे हैं, ठीक है। फालतू चीज ऐसा है क्या, क्यों बकना, जो चीज समझ में आएगा वही चीज बताएंगे, ठीक है। फिर चेन थिन डबल डैश है, एक लाइन है दो को डैश, मतलब दो पॉइंट, ठीक है, फिर एक लाइन है दो पॉइंट दीजिए, फिर एक लाइन, इस तरह से करिए, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए। तो अब टाइम आ गया कि आपको फिगर में सारा चीज दिखाया जाए, क्योंकि फिर आया आउट लाइंस क्या है, मार्जिन लाइन क्या है, ठीक है, यही डायमेंशन लाइन क्या है, एक्सटेंशन लाइन क्या है, प्रोजेक्शन लाइन क्या है, तो सब फिगर में जाके दिखाएंगे तब ना समझिएगा, यहाँ बोलेंगे तो समझिएगा थोड़े। चलिए, तो पहले और कुछ बचा है उसको पहले दिखा देते हैं, ये सब लाइन तो वहां जाके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, कुछ यहीं पे एक फिगर दिख रहा है, यहीं पहले दिखा देते हैं, उसके बाद मेन ड्राइंग में जाके दिखाते हैं। देखिए बाबू, डायमेंशन करते हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग करते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये डायमेंशन लाइन हो गया, ठीक है। यह डायमेंशन, देखिए डायमेंशन 60 मीटर दिखा है, इसका मतलब क्या हो, डायमेंशन की है ना, तो इसी को बोल रहे हैं डायमेंशन लाइन, तो ये हो गया डायमेंशन लाइन, ठीक है। आउट लाइन बाहर, दोनों डायमेंशन लाइन को मिला दिए ऐसे करके, मतलब मिलाने वाला लाइन आउट लाइन हो गया, ये देखिए तो दिख रहा है, हाइड के लिए, हाइड करने का मतलब समझ रहे हैं, आप खड़ा है, आपके पीछे कोई खड़ा है, हम देख रहे हैं तो वो नहीं दिख रहा है, मतलब वो हिडन है, तो हिडन है तो उसको हमको कैसे करके दिखाना होगा, डॉट डॉट करके दिखाना होगा, ठीक है। ये सेंटर लाइन हो गया बाबू, सेंटर लाइन हो गया, जो सेंटर से पास कर रहा है, कटिंग प्लेन हम इसको काट दिए, ठीक है, जिस जिस एक्सिस से काटे हैं वहां पे एक लाइन बनेगा, कटिंग प्लेन, ठीक है, हिडन लाइन हो गया, एक्सटेंशन लाइन हो गया, तो सब चलिए आपको मेन जो क्वेश्चन बना हुआ था उसमें दिखाते हैं। अब इसको पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाके आपको दिखाते हैं, ठीक है। डायमेंशनिंग, डायमेंशनिंग क्या है बाबू, हम बिना डायमेंशन के कोई किसी चीज का भी ड्राइंग आप बना सकते हैं, बिल्डिंग का बनाना है तो कितना मीटर लंबा है, कितना मीटर चौड़ा है, क्या है, कितना फीट है, ये सब जब तक नहीं रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो डायमेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है, और डायमेंशन को दिखाने के लिए जो लाइन यूज करते हैं उसको हम लोग डायमेंशन लाइन भी बोलते हैं। प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन लाइन एग्जैक्ट लेंथ, ब्रेथ, हाइट, साइज, पोजीशन, होल्स, ग्रूव्स, इटीसी को दिखाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं, डायमेंशनिंग, मतलब कितना होल है, कितना लेंथ है, कितना विड्थ है, कितना हाइट है उसका, कितना साइज है, कहाँ पोजीशन है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशनिंग कहते हैं। टाइप ऑफ डायमेंशन, साइज और फंक्शनल डायमेंशन, लोकेशन और डायटम डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, लीडर लाइन, एरोहेड। तो यहाँ पे ये जरूरी है बाबू, ये तीनों को समझना कि सबसे पहले जो आप इस तरह से तीर बनाइएगा, डायमेंशन का लाइन बनाइएगा, उसका मतलब क्या है जो समझा रहे हैं, कि अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इधर ले रहे हैं ना, 1 सेंटीमीटर ये वाला, तो ये आगे कितना लंबा बनाना होगा, ये 3 सेंटीमीटर बनाना होगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, समझ में आया बात। या मान लीजिए कि आप इसको 2 सेंटीमीटर बना रहे हैं, इसको 2 सेंटीमीटर बना रहे हैं, तो इधर कितना बना है, 2 तिया 6,
यानी रेशियो रहेगा एक्स और थ्री एक्स का, एक्स का मतलब और थ्री एक्स का मतलब अगर यहाँ दो रखते हैं तो यहाँ दो से गुना करेंगे तो कितना हो गया छः, यानी ये दो है तो ये छः रहेगा। मान लीजिए कि ये ऐसे ये चार है तो ये कितना हो जाएगा बाबू, चार किया बारह, ये बारह रहेगा। तो ये वाला लाइन अगर इसको कलर कर दिए, ठीक है मिटा के दिखा रहा है, ठीक है कलर कर देंगे, समझ में आ गया पॉइंट? नहीं समझ में आता है ना तो आप बैक कर करके देख सकते हैं। ये ओपन लाइन हो गया बाबू, ये ओपन लाइन हो गया 90 डिग्री ओपन लाइन, ये 90 डिग्री पे है, 20 डिग्री ओपन लाइन, 20 डिग्री पे, ठीक है। क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब रंगा नहीं रहेगा, एक रहेगा फील्ड, क्लोज्ड रहेगा लेकिन फील्ड रहेगा, भरा हुआ रहेगा, ठीक है। ऑब्लिक लाइन है, ऑब्लिक लाइन ऐसे होता है, यहाँ देखिए ऑब्लिक लाइन, ये सॉरी ये एक लाइन है, यहाँ पे करके ऐसे कर दिए, ऑब्लिक लाइन हो गया, ठीक है। स्मॉल ओपन, इस तरह से स्मॉल ओपन लाइन है, ठीक है। तो ये सब लाइन है। चलिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी बताने जा रहे हैं। प्लेसिंग ऑफ डायमेंशन, प्लेसिंग ऑफ डायमेंशन, द टू सिस्टम ऑफ प्लेसिंग डायमेंशन, अलाइनमेंट सिस्टम एंड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अलाइनमेंट सिस्टम क्या है, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम क्या है, इसको बारी बारी से समझिएगा आप। एलाइन सिस्टम, एलाइन सिस्टम क्या होता है बाबू, जैसे जैसे लाइन है, देखिए ये जो लाइन था वर्टिकल ऐसे लाइन था, तो इस ये भी लाइन डायमेंशन की है, ये भी लाइन ऐसा ही दिए, फिर देखिए ये हॉरिजेंटल है तो डायमेंशन भी हॉरिजेंटल ही दिए, ठीक है। फिर देखिए ये वर्टिकल है तो वर्टिकल ही दिए, यहाँ दो 20 मीटर है, यहाँ 20 mm है, यहाँ भी 20 mm है, तो ये क्या हुआ कि लाइन के लॉन्ग हुआ ना, लाइन के लॉन्ग जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलाइंड कहते हैं, ठीक है। अब बीच में कट नहीं होना चाहिए, जैसे देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल यहां पे दे रहा है, कट नहीं होना चाहिए, कट नहीं होने का मतलब बाबू कि ऐसे दे दिए लाइन को पूरा देंगे, यहां लिखेंगे 60 mm, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या होगा बाबू, दूसरा क्या कर सकते हैं, ये बीच में काट सकते हैं ना ऐसे करके, आप लोग करते होंगे तो अभी तक क्या करते होंगे, देखिए तो ऐसे करके 60 ऐसे देते हैं, तो ये लाइन सिस्टम नहीं हुआ, बीच में कट नहीं करना है, ठीक है कट नहीं करना है, तो इसको बोलेंगे अलाइन सिस्टम। इन द अलाइन सिस्टम द डायमेंशन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन इन सच ए वे दैट इट मे बी रीड फ्रॉम द बॉटम एज और द राइट हैंड एज ड्रॉइंग शीट, ठीक है। तो अगर दोनों में कोई कर सकते, एक और आ रहा है, दोनों में कोई कर सकते, लेकिन करना है किसी एक को ही, मिक्स नहीं कर देना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल, ऑल द डायमेंशन आर सो प्लेस्ड दैट दे आर कैन बॉटम एज ऑफ द ड्रॉइंग शीट, द डायमेंशन लाइन आर ब्रोकन नियर द मिडल। मतलब ऐसे समझिएगा, दो और एक डिफरेंस था, एक और डिफरेंस था, ये जो 40 लिखा हुआ है, ये 40 लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, ये 40 लिख, 40 को हम यहां ऐसे भी तो लिख सकते थे, लेकिन लिखे कैसे, ऐसे करके देखिए, ये वाला लिखे ऐसे जैसे लाइन था वैसा ही लिखे, 40 देखिए कैसे लिखे हैं, जैसे लाइन था वैसा ही लिखे, हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, लेकिन अलाइन सिस्टम में ये नहीं, अलाइन सिस्टम में एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखिएगा मान लीजिए कोई भी फिगर रहेगा तो ये 40 लिखना है ना, तो ये लाइन ऐसे रहेगा, आई 40 ऐसे ही रहेगा, ठीक है ऐसे खड़ा नहीं देंगे, ठीक है। तो ये अलाइन सिस्टम हो गया। अब आते हैं यूनिडायरेक्शनल में, यूनिडायरेक्शनल में जो अभी तक आप कर रहे होंगे वही है यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। 40 हो गया, 60 हो गया, यहाँ कट लाइन को कट भी कर सकते हैं, तो यही हो गया यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। लेटरिंग, लेटरिंग क्या है बाबू, लेटर करना, डायमेंशन में जो लेटर होता है, तो लेटर को आप क्या लिख सकते हैं, एक कोई ऐसे लिखता है, कोई इनक्लाइंड करके लिखता है, इनक्लाइंड 75 डिग्री पे होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। तो यही दो तरफ के है, और दूसरा क्या करना है, ओवरलैप नहीं करना है, ठीक है। अगर देखते कोई लिखते होंगे ना तो ऐसा करके दो तीन बार दोहरा दिए, तो सिंगल स्ट्रोक क्या है, एक लाइन से लिखना है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरलैप नहीं करना है, ठीक है। तो राइटिंग द टाइटल डायमेंशन नोट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर ऑन ड्राइंग इज कॉल्ड लेटरिंग, ठीक है। सिंगल स्ट्रोक क्या है बाबू, जिसमें ओवरलैप नहीं करना है। द वर्ड सिंगल स्ट्रोक शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट द लेटर शुड बी मेड इन वन स्ट्रोक ऑफ द पेंसिल, एक ही बार चलाना है, दो तीन बार रगड़ना नहीं उस पे, ठीक है। इट एक्चुअली मीन्स दैट द थिकनेस ऑफ द लाइन ऑफ लेटर शुड बी सच एज ऑब्टेन इन वन स्ट्रोक द पेंसिल, ओवरलैप नहीं होना, एकदम सिंपल, देखिए सादा लिखे ऐसे, सॉरी ऐसे ए बी सी डी, ठीक है ओवरलैप नहीं करना है। चलिए
तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सिंगल स्ट्रोक लाइन। कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, वर्टिकल होता है, इंक्लाइंड होता है। तो वर्टिकल तो सीधा सीधे लिख दिए, इंक्लाइंड में 75 डिग्री पे इंक्लाइंड करके लिखेंगे, ठीक है, 75 डिग्री पे इंक्लाइंड करके लिखेंगे। तो ये हो गया क्या इंक्लाइंड लाइन। तो ये सब आपके नॉलेज के लिए है, उतना पूछा भी नहीं जाएगा। अब टॉपिक लगभग लास्ट होने वाला है, स्केल। स्केल क्या है? वो ए स्केल ही अभी तो कितना अभी समझा गया है ना कि मैप डिस्टेंस बटा ओरिजिनल डिस्टेंस। एक बार फिर से समझा देते हैं, ए स्केल ही डिफाइन है द रेशियो ऑफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड इन ड्राइंग टू द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब अभी बता रहे थे कि अगर हम 1 किलोमीटर को एक से एक मीटर 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो इसको इसी को स्केल बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर बटा 1 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर था, 1 किलोमीटर के 1 सेंटीमीटर बताइए बनाइए। तो पहले 1 किलोमीटर को 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये बन गया सेंटी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। ये रेशियो क्या आया? 1:2 कितना था? 2 2 4 1 5 ना, 2 2 4 1 5, यही हो गया स्केल, ठीक है। यही हुआ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसी को क्या बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो अभी तीन तरह के स्केल पढ़ा के आए थे, फुल साइज स्केल, और क्या पढ़ाए थे बाबू, रेड्यूस स्केल, इन लार्ज स्केल। फुल साइज स्केल में क्या होगा? इक्वल होगा। फुल साइज स्केल में क्या होगा? इक्वल होगा। इन लार्ज स्केल में क्या होगा? बड़ा साइज होगा, ठीक है, 50:1। रेड्यूस स्केल में 1:2, देखिए 1:2 20, 1:200, ठीक है, इधर कितना होगा? 50:1। तो इन लार्ज स्केल और रिड्यूस स्केल। आपको अगर अभी हम एग्जांपल पूछे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो कि इसका फ्लाई ओवर रोड है उसका कौन सा बनेगा, तीनों में किसका होगा? फुल साइज स्केल पे बनेगा, इन लार्ज स्केल पे बनेगा, रिड्यूस स्केल पे बनेगा? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। अगर पढ़े, जब भी पढ़े, ऐसा नहीं कि सर आप लाइव ले रहे हैं जब मेरा, देखिए आप जब भी पढ़ रहे होंगे तब कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग स्केल, इन लार्ज स्केल जो रोड बन रहा है वो कौन सा स्केल पे बनेगा? तो ऐसा ही पता चल रहा है, रिड्यूसिंग स्केल पे बनेगा। उतना बड़ा रोड है, उतना बड़ा पेपर लेके आएंगे बनाने के लिए उसका मैप, कि एक छोटा सा पेपर पे बनाएंगे, हो गया इन लार्ज स्केल। और दूसरा एग्जांपल देते हैं, इन लार्ज में आप घड़ी देखे होंगे, घड़ी में महीन महीन मशीन बना होता है, ठीक है। तो मशीन को बनाने के लिए उतना ही महीन, उतना ही छोटा ड्राइंग बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे ना, तो इन लार्ज स्केल। अब फुल साइज स्केल में कुछ ले लीजिए जो आप ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, जो सिंपल वाला ड्राइंग बनाते थे, कुछ भी ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है। अरे सिंपल वाला नहीं समझ रहे, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का कुछ भी बनाना है, तो 1 ही सेंटीमीटर का पेपर पे बनना है, बस हो गया, फुल साइज मतलब सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। स्केल तीन टाइप का होता है, इंजीनियर्स स्केल। इन दिस केस द रिलेशन बिटवीन डायमेंशन ऑन द ड्रॉइंग एंड द एक्चुअल डायमेंशन ऑब्जेक्ट इज मेंशन। दोनों मेंशन होता है, जैसे 10 mm = 5 meter, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस बता रहा है, ये क्या बता रहा है? फील्ड डिस्टेंस। मतलब 5 मीटर को क्या माना है? 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंजीनियर स्केल। ग्राफिकल स्केल क्या होता है बाबू? सबसे बढ़िया ग्राफिकल स्केल होता है, ग्राफ पे बनाया जाता है। ग्राफ श्रिंक करेगा तो उसका स्केल भी सिकुड़ेगा। कहने का मतलब समझे आप? नहीं समझे, ठीक है। देखिए एक चेन है, चेन है तो बेदरिंग के कारण आप जानते हैं ना, गर्म होने पे कोई चीज बढ़ता है, ठीक है। गर्म होने चीज पे आप सुने होंगे कि रेल के पटरियों के बीच में गैप क्यों होता है, तो उस पे उससे ट्रेन गुजरता है तो वहां पे हीट ज्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, रेल की पटरी बढ़ सकती है, इसलिए गैप दिया जाता है। तो ही बात है, तो ये क्या हो गया कि लेंथ बढ़ जाएगा गर्मी के दिन में, ठंडा के दिन में क्या हो जाएगा, सिक्योर जाएगा। तो ये चेन में हो सकता है, लेकिन ग्राफिकल में, ग्राफ में एक्स वाई है मान लीजिए, तो एक्स घटेगा तो वाई भी घटेगा, बढ़ रहा है तो दोनों बढ़ेगा, ठीक है। तो ग्राफिकल स्केल सबसे बढ़िया होता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन तो कल ही बता चुके, बहुत अच्छे से पढ़ा दिए, आज भी बताएं, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड ऑन द ड्रॉइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यानी फार्मूला सिर्फ देखें तो लेंथ ऑफ ड्रॉइंग बटा एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं? आरएफ बोलते हैं। तो ड्रॉइंग बनाएंगे, यहां से ड्रॉइंग स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। स्केल ऑफ ड्रॉइंग, स्केल मतलब आपको क्या क्या चीज जरूरी होना चाहिए ड्रॉइंग बनाने में। तो कोई सोच रहे हैं सर आप पढ़ के नहीं बता रहे, तो क्या कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं इसमें?
व्हेन एन अनयूजुअल स्केल यूज्ड इट इज कंस्ट्रक्शन ऑन द ड्राइंग शीट टू कंस्ट्रक्ट ए स्केल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज इसेंशियल। आपको सबसे पहले आरएफ आना चाहिए, जब आपको ड्राइंग बताएंगे ना तो सबसे पहले आरएफ निकालेंगे, फिर हम लोग मेजर स्केल निकालते हैं, फिर मैक्सिमम लेंथ निकालते हैं, उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद ड्राइंग बनाए, तो जब भी बताएंगे उस टाइम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब टाइप ऑफ स्केल तीन तरह के था, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, ऐसे तो आपको तीन ही तरह के पढ़ना है लेकिन यहाँ पे बहुत सारा है, ठीक है, पांच है, डायगोनल स्केल, कंपरेटिव स्केल, बर्नियर स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और बर्नियर स्केल, लेकिन यहाँ पे पढ़ाया जाएगा सब, क्योंकि लिखा है नहीं कि सिलेबस में, लेकिन पूछ देता है सबसे, ठीक है, तो पढ़ाया जाएगा सब यहाँ पे। प्लेन स्केल क्या होता है बाबू, अभी बता रहे थे जिसमें दो डायमेंशन हो, वैसा स्केल जिसमें दो डायमेंशन हो, 1.2 रुपीज, तो इसको क्या पढ़ते हैं, 1 रुपया 20 पैसा पढ़ते हैं ना, तो इसमें कितना डायमेंशन पड़े, 2 रुपया पैसा, तो दो डायमेंशन है प्लेन स्केल, तीन वो रहेगा डायगोनल स्केल। ए प्लेन स्केल कंसिस्ट ऑफ ए लाइन डिवाइडेड इनटू सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट और यूनिट, द फर्स्ट ऑफ विच इज सब डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर पार्ट, प्लेन स्केल रिप्रेजेंटेड आइदर टू यूनिट और यूनिट एंड इट्स सब यूनिट, दो यूनिट करेगा या यूनिट का सब यूनिट, ठीक है, 1 रुपया पैसा उसी का सब यूनिट है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया बाबू, कल से यहां से आपको ड्राइंग सिखाया जाएगा, बोले तो न्यूमेरिकल सिखाया जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग अभी देख लेते हैं कि जो बोल रहे थे ना आपको, कहां गया कि एक सेकेंड उसको दिखा देते, जो बोल रहे थे ना क्रॉस मतलब आउटलाइन क्या है, डायमेंशन लाइन क्या है, वो सब चीज दिखा देते एक बार, वेट कीजिए। देखिए बाबू इसमें क्या है, देखिए ये कहा गया, ये तो प्रोजेक्शन है, ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का है, तो ये सब देखिए इसमें कुछ पॉइंट नहीं दिख रहा है, यहाँ वाला पॉइंट इसके अंदर का नहीं दिख रहा है, अगर इसको हम 2D में बनाते तो यहाँ पे क्या देते, हिडन लाइन, जो चीज नहीं दिख रहा है उसका हिडन लाइन देते, ठीक है, ये मेन लाइन हो गया, ये सब क्या हो गया, मेन लाइन हो गया, ठीक है। तो इसको अगर सब एक ही पेंसिल से बना दीजिएगा तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको एकदम हिचपिच हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग अलग अलग पेंसिल का यूज करते हैं डायमेंशन बनाने में, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें कुछ दिख रहा है आपको, तो देखिए तो यहाँ पे देखिए ये वाला ज्यादा डार्क दिख रहा है, ये वाला ज्यादा डार्क दिख रहा है, ऐसे ऐसे ये बना हुआ एक क्यूब में बना हुआ, लेकिन क्यूब आपको नहीं दिख रहा है, आपको एक हेक्सागोन झलक रहा होगा सिर्फ, ठीक है, एक हेक्सागोन दिख रहा होगा, ये तो फोटो में है तो और उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप अपने कॉपी में बनाएंगे ना, सिखाएंगे आपको एक एक लाइन बना के सिखाएंगे। ये अभी कोई सोच रहा होगा सर ऐसे इतना कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग कैसे बना लेंगे, आप आराम से बना लीजिएगा। देखिए तो इसमें सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, कौन दिख रहा है ना, कौन दिख रहा है, देखिए तो कौन दिख रहा है, ये सब भी तो लाइन है, ये सब नहीं दिख रहा है, तो ये सब 3H से बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये सब है बाबू, यही सब चीज आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यही है सेक्शन लाइन है, यहाँ पे क्या है सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन हो गया, ये सेक्शन लाइन हुआ, प्लेन को काटने पे देखिए किसी प्लेन को काटते हैं तो कैसा दिखेगा, तो ये इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का दिखेगा, और ये डेवलपमेंट है उसका, ठीक है, डेवलपमेंट में भी देखिए तो आपको क्या दिख रहा है, डार्क लाइन दिख रहा है, डार्क